नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है और इसका असर भारत में भी देखा जा रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। आइए जानते हैं कि किस तरह से एन होली के मौके पर मुंबई में कोरोना वायरस की वजह से क्या क्या किया जा रहा है। मुंबई में होली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। खास करके शहर के कई इलाकों में रेन डांस होते हैं। दो जगह के रेन डांस काफ़ी मशहूर हैं। एक मुंबई के जुहू इलाके का रेन डांस, जो कि पाटीदार समुदाय की ओर से मनाया जाता है, और दूसरा वर्ली में नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ इंडिया, वहाँ का जो ग्राउंड है वहाँ पर बड़े ही धूमधाम से रेन डांस का आयोजन होता है, जिसमें पानी की बौछारों के बीच बॉलीवुड के होली से जुड़े हुए गानों पर झूमते वक्त लोग नाचते हैं। बड़े पैमाने पर लोग अपने परिवार के साथ शरीक होते हैं और ये आयोजन सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। दोपहर को बुफे लगता है और लोग एक साथ खान पान करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। जुहू के आयोजकों ने भी और वर्ली के आयोजकों ने भी, दोनों ने ही कोरोना वायरस के चलते एहतियातन अपने आयोजन कैंसिल कर दिए हैं। दोनों ही ठिकानों पर कई दिनों पहले से ही तैयारियाँ शुरू हो चुकी थीं और पास भी बेचे जाने लगे थे, लेकिन अब आयोजकों का कहना है कि लोगों को सूचित कर दिया गया है कि कार्यक्रम कैंसिल हो गया है और जिन लोगों ने पास खरीदे हैं उनके पैसे को रिफंड किया जाएगा। इन दो बड़े आयोजनों के अलावा मुंबई में कई सारे ठिकानों पर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो भी अपने यहाँ पर होली का आयोजन रखती हैं। कई जगहों पर रेन डांस का आयोजन होता है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते कई ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ ने होली के आयोजन रद्द कर दिए हैं और इसके लिए जो पैसे जुटाए गए थे वो रेसिडेंट्स को वापस कर दिए गए। कोरोना वायरस की वजह से मची घबराहट के कारण कई लोगों ने एहतियातन N95 मास्क खरीदना शुरू कर दिया। जिस तरह से अचानक इस मास्क की डिमांड बढ़ी, उससे इस मास्क की कालाबाजारी भी होने लग गई और इसके दाम बेतहाशा बढ़ गए। जो मास्क 30 रुपए का आता था उसकी कीमत 250-300 रुपए तक हो गई और इस तरह से बढ़े हुए दामों पर मेडिकल स्टोर्स पर ये मास्क बिकने लगे। ABP न्यूज़ संवाददाता वेदांत नेब ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और बताया कि किस तरह से मास्क की कालाबाजारी हो रही है और किस तरह से इनको महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। ABP न्यूज़ के इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद महाराष्ट्र का फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आया और अब उसकी ओर से ये निर्देश जारी किया गया है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के N95 मास्क नहीं बेचा जाएगा। मुंबई में जनवरी से लेकर अब तक करीब 150 लोगों को क्वारंटाइन किया जा चुका है और उनमें से सिर्फ 9 लोगों को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। हालांकि अब तक कोरोना वायरस का कोई भी कन्फर्म्ड केस मुंबई में साबित नहीं हुआ है। एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए बड़ी तैयारी कर रखी है और मुंबई में 4 ऐसे BMC के अस्पतालों की पहचान की गई है जहाँ पर कोरोना वायरस के मरीजों को रखा जा सकता है और वहाँ पर स्टाफ की ट्रेनिंग के साथ साथ जो जरूरी तैयारियां होती हैं वो की जा रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार की ओर से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, बस आने वाले कुछ दिनों तक लोग भीड़ भाड़ में जाने से बचें। उन्होंने कहा कि वे प्रार्थना करते हैं कि इस होली में कोरोना वायरस भी जलकर नष्ट हो जाए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।